श्री किरंतन प्रकरण एक राग श्री मारो। पहले आप पहचानो रे साधो। बिना आप चीन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत पब्रह्म उनके श्री मुख से कहलवा रहे हैं कि हे संत जनो, पर ब्रह्म की कृपा की छत्र छाया में अपने निज स्वरूप की पहचान करो कि मैं कौन हूँ। इंद्रिय, अंतःकरण, जीव, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में मेरा निज स्वरूप क्या है, इसे जाने बिना यदि कोई यह कहता है कि मैंने सच्चिदानंद परब्रह्म को जान लिया है तो वह भ्रम का शिकार है। भावार्थ, निज स्वरूप तथा परब्रह्म को जानने के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक वर्ग कहता है कि पहले आत्म तत्व का ज्ञान होगा, तत्पश्चात ही परब्रह्म को जाना जा सकेगा। दूसरा वर्ग कहता है कि पहले परब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसके पश्चात उनकी कृपा दृष्टि से ही निज स्वरूप का बोध होगा। कठोर से कठोर साधना करने के पश्चात भी श्री देवचंद्र जी अपने निज स्वरूप को तब तक नहीं जान पाए जब तक स्वयं अक्षरातीत ने उन्हें पहचान नहीं दी। वस्तुतः परब्रह्म की कृपा के बिना न तो निज स्वरूप को जाना जा सकता है और न परमात्म स्वरूप को। कठोपनिषद का कथन है, यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, अर्थात परमात्मा जिसका वर्णन करता है वही उसको यथार्थ रूप से जान पाता है। ये किरंतन भी वेदांत के विद्वानों को प्रबोधित करने के लिए उतरा है। इसमें यह बताया गया है कि परब्रह्म की कृपा के प्रकाश में ही अपने निज स्वरूप तथा परब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। पीछे ढूंढो घर आपनों, कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानो। इसके पश्चात अपने निज घर की पहचान करो कि मैं कहां से आया हूं, तथा इस संसार को छोड़ने के पश्चात मेरा निवास कहां होगा। जब तक अपने मूल घर की पहचान नहीं होगी तब तक इस मायावी जगत को ही अपना घर समझकर भटकते रहना पड़ेगा। पांच तत्व मिल मोहोल रच्यो है, सो अंतरी क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के सन से भानो। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो पांच तत्वों का बना हुआ है। ये आकाश में बिना किसी आधार के ही कैसे लटका हुआ है, ज्ञान के द्वारा जागृत होने के बाद ही इन सारे संशयों से छुटकारा मिल पाएगा। भावार्थ, अनंत ब्रह्मांडों को ब्रह्म की शक्ति ने ही धारण कर रखा है। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो इस जगत का अति अल्प अंश है। नींद उड़ाए जब चीन होगे आपको, तब जानोगे मोहोल यो रचानो, तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। जब तुम अपनी अज्ञान रूपी नींद का परित्याग कर निज स्वरूप की पहचान कर लोगे, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड क्यों बना है, तब तुम्हें अपने निज घर की भी पहचान हो जाएगी तथा उस अलख अगोचर पर ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो जाएगा। भावार्थ, इस चौपाई से ये स्पष्ट विदित होता है कि अज्ञान रूपी नींद के समाप्त होने पर पहले आत्म साक्षात्कार होगा, तत्पश्चात ब्रह्म साक्षात्कार, परंतु इसके लिए परब्रह्म की कृपा होना अनिवार्य है। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओलखानो। केवल आत्म तत्व की वार्ता तथा कर्मकांड और प्रकृति संबंधी उपासना की राहों से ही उस पर ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती, उसका साक्षात्कार भी इन मार्गों से नहीं हो सकता। श्री महामती जी कहते हैं कि जब इस ब्रह्मांड से परे तुम खोजोगे
तभी तुम्हें निज स्वरूप तथा परब्रह्म के स्वरूप की पहचान होगी। प्रकरण 1, चौपाई 5। प्रेम प्रणाम जी।